थोड़े दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। सर्दी चली गई और गर्मी आ गई, भाजपा भी चली गई और कांग्रेस आ गई। ठोको ठोको ताली ठोको, तुमने ताली ठोक दी और ऊपर दिल्ली में मोदी ठाकुर गयो, ठाकुर को गयो। एकदम मोदी साहब अपने ड्राइवर को बोले हटो, कार मैं चलाऊंगा। तो ड्राइवर बोला साहब ये कार है आपकी सरकार नहीं, जो राम भरोसे चल जाए, राम भरोसे चल जाए। मैं आपसे पूछता हूं कि रामायण में एक वाक्य आता है, वही सब ग्रंथ दोहराते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जात पर वचन न जाई। मैंने फिल्म देखी थी कुली नंबर वन, मैंने फिल्म देखी थी हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, अब मोदी की फिल्म आ रही है फेंकू नंबर वन। हमारे यहां फास्ट बॉलर है जहीर खान, सुना है ना, वो सबसे तेज गेंद फेंकता है, लेकिन मोदी उससे भी तेज फेंकता है। ठोको ठोको ताली ठोको, आ गया गुरु बगैर बादल के। ये इसके लिए शेर ठोक रहा हूं, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। अरे मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव है। शनि देओल तारीख पे तारीख लेता था, मोदी झूठ पे झूठ बोलता। मैं तुमसे पूछता हूं मेरे भाइयों, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कंधा साफ हुई? क्या 2 करोड़ नौकरी मिली? क्या किसान को उसकी फसल का दाम मिला? स्वामीनाथन रिपोर्ट हुई? अबे बुलेट ट्रेन चली तो मिला क्या बाबा जी का ढुल्लू? क्या मोदी सरकार आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए बनाई थी? सही बोल रहा हूं, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, सही है मेरे दोस्तों। मैं जानता हूं कि यहां जात पात की राजनीति हो रही है, मैं जानता हूं यहां बांटने की राजनीति हो रही है, जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को एक ही बात कहने आया हूं कि आप ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि जहां आप माइनॉरिटी बनके भी मेजॉरिटी में हो, 62% इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका वर्चस्व है। और ये लोग बीजेपी वाले, ये षड्यंत्रकारी लोग आपको बांटने का प्रयास करेंगे, आपके वोट को बांटने का प्रयास करेंगे। मैं कहता हूं अगर आप इकट्ठे रहे तो तारिक साहब को और कांग्रेस को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाएगी। ये 5 उंगलियां देखो, कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, लेकिन जब इकट्ठे हो जाती है तो अपनी ताकत से 1000 गुना बोझ उठा लेती है और कई बार घूसा बन के सामने वाले की बतीसी भी निकाल देती है। किया क्या है नरेंद्र मोदी ने? हाँ वाकई कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। ठोको ताली ठोको, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं और टोपी पहनाते हैं सबको टोपी। सबसे बड़ा फूटा और धोखेबाज अगर कोई है
जरूरी है सर? अरे मोदी ने इस देश के लोग बदल दिए। अब जनता का भी फर्ज बनता है कि पूरी जनता मिलकर प्रधानमंत्री बदल दे। मोदी ने नोटबंदी योजना, नोट बदल दो। जेटली साहब ने टैक्स बदल दो। वो योगी कहता है नाम बदल दो। अरे भारत की जनता कहती है सरकार बदल दो, तख्त बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मेरे कारण ही नहीं मिला। अरे अंधो, मैं बता आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। अंधों के बाजार में आईमे के खरीदार हैं और शहर के सब चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं। मैं पूछता हूँ, जब माल्या भागा था, नीरव मोदी भागा था, तो कौन सा चौकीदार ड्यूटी पे था? अरे अरे मैं विदेशों में जाता हूं, विदेशों में विकास को देखता हूं। यहां कौन सा विकास हुआ है? एक जज साहब किसी को फांसी की सजा सुना के बोलते हैं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो बंदा बोलता है मैं मोदी का विकास देखना चाहता हूं। बोला जाओ जाओ, तुम्हें छोड़ दिया भैया, तुम्हें सच ऐसा बोला है? अरे चाइना समंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, चीन समंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह के ऊपर जाके जीवन खोज रहा है, रूस रोबोटिक सेना बना रहा है, और एक भारतवर्ष है चौकीदार बना रहा है, वो भी सिरे के चोर बना रहा है। मोदी जी, अरे वाह मेरे भैया, अरे वाह मेरे भैया, तुम्हारे ऊपर शेर दरबार वतन में जब एक दिन, अब जनता का दरबार है, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कथा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐखा कुशीनो, उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब दिल्ली में तख्त गिराए जाएंगे। चलते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर बहुत, सर भी बहुत, अरे बढ़ते भी चलो के अब तेरे लाल किले पे झंडा फहराने को डाले जाए। पूरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। ना खाऊंगा और ना खिलाऊंगा। वारे वाह, झूठ बोले कौआ काटे, कल कौए से डरियो, खाया जम के और खिलाया भी जम के। कहना सबका साथ और सबका विकास, साथ तो सबका था पर विकास अंबानी और अडानी का हुआ। और दोनों ने गाना गाया, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। अरे कहां कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। मत रोको, ठोको ताली ठोको। मैं कोई झूठ बोल रहा हूं? बात सही कर रहा हूं कि नहीं? अरे उड़ाना था राफेल का जहाज और उड़ा दी फाइल, उड़ी फाइल। आज याद रखना मोदी जी, ये सिद्धू सिद्ध की भविष्यवाणी है, सच की भविष्यवाणी है। आए थे तुम 2014 में गंगा के लाल बनके और 2019 में जाओगे राफेल के दलाल बनके। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। रुको, पहले मेरी बारी सुनो। आयु थोड़ी बड़ी है इनके बारे में, आयु थोड़ी बड़ी है पर उत्साह वही है, आयु थोड़ी बड़ी है पर उत्साह आज भी वही है। नदी थोड़ी सूखी है
पानी का प्रवाह आज भी वही है। सोच लो, वही दमखम, वही चमचम, अरे मनखात वही है, तलवार पुरानी है, पर प्रसार और आधार भी वही। अच्छा है, बच्चे बूढ़े और जवान ठोकर ठोक चले। मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, जो 500 का जहाज था उसे 1500 में खरीद के आए और बाकी का 1000 करोड़ रुपया अंबानी को खिला के वापस नहीं आए, बताओ, बताइए कि हिंदुस्तान की सरकार नेगोशिएट नहीं करेगी और अंबानी जहां फ्रांस में जाके एमओयू साइन करके आएगा और बगैर बैंक गारंटी साइन करके आएगा और देश को जहां 136 जहाज मिलने थे वहां सिर्फ 36 मिले गए। क्या ये आपकी न खाऊंगा न खिलाऊंगा और आपके खिलाफ कोई बोले वो देशद्रोही, जम के लूटो, आपका विरोध करे तो टच के कूटो, क्या ये आपका इंसाफ है? क्या ये आप इसलिए प्रधानमंत्री बने थे? मैं फकीर हूं, कहते हैं मैं फकीर हूं, मैं चाय वाला हूं, मैं मां गंगा का बेटा हूं, मैं स्वयं सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं। अरे हाँ हाँ, पर आप प्रधानमंत्री भी हो तो उसका काम भी करके दिखाओ। जब मुद्दों की बात आती है तो 384 संकल्प किए नरेंद्र भाई मोदी ने, 384 संकल्प 2014 में एक भी पूरा नहीं हुआ। इससे झूठा आदमी मैंने देखा नहीं। गुरु गोविंद सिंह के दरबार में किसी ने पूछा, गुरु साहब बंदा कौन सा अच्छा होता है, औरत कौन सी अच्छी होती है? तो कोई कहेगी 8 फुट का कद हो, चौड़ी छाती हो, मूछें खड़ी हो, मारे भूसा बंदा धरती में गाड़ दे, बंदा वही अच्छा होता है। कोई कहेगी औरत वो अच्छी होती है जिसकी आंखें बिल्लौरी नए नक्श दे, मुंह खुलेगा खुला रहेगा इसका। तो गुरु साहब ने कहा, बंदा वो अच्छा जो वचन का पक्का, औरत वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म और हया हो। तो बताओ मोदी साहब, कौन सा वायदा पूरा किया है तुमने? इस देश में तुमने कहा था 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 2 करोड़ तो क्या मिलनी थी, 1 करोड़ 10 लाख पिछले साल नौकरियां लोगों की चली गई, 5 साल में 8 करोड़ नौकरी मिली थी और 8 लाख मिली, 8 करोड़ नौकरी के बजाय 8 लाख मिली, चीन में 70 लाख नौकरियां 4.5 साल में मिली। तो आप बताओ मोदी साहब कि आप कौन से वायदे के ऊपर खड़े उतरे? बात करनी बहुत आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है। अरे वतन की फिक्र कर ऐ नादान, मुसीबत आने वाली, मुसीबत आ रही है। मोदी आया न्यूज खत्म, मोदी आया व्यापार खत्म, मोदी आया किसान खत्म, मोदी आया आम आदमी खत्म, अगर इस बार मोदी आया तो हिंदुस्तान खत्म, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। इसलिए इकट्ठे होके, एकजुट होके, छोटे छोटे तिनके भी अगर इकट्ठे हो जाए मेरे मुस्लिम भाइयों, तो छप्पर बन के मूसलाधार बारिश को रोक लेते हैं। छोटी छोटी घास की पत्तियां गूंथ लो, रस्सी बना के मतवाला हाथी बांध लो, चिड़िया भी अगर इकट्ठी हो जाए तो शेर की खाल खींच लेती है। आप अपने वोट को छोटा मत समझना, इस वोट को बेचना मत। भगत सिंह ने अपनी जान देकर यह अख्तियार दिया है आपको वोट डालने का, राजगुरु सुखदेव ने अख्तियार दिया है आपको वोट डालने का। ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है, हर गली इस बाग की खून पी के ही खिली है, पिछ गए वो नींव में दीवारों के नीचे गड़े हैं ये महल, अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े। ये लड़ाई बुलेट की नहीं है, ये लड़ाई बैलेट की है। इसलिए वोट से चोट करना, 500-500 में वोट मत बेच देना, शराब की पेटी में वोट मत बेच देना, अपना जमीर मत बेच देना। एक छोटी सी, और अपने आपको छोटा मत समझना, एक छोटी सी चिड़िया जाके पानी भरती तालाब से और जाके जंगल की आग बुझाती। एक कौवा बैठा था, बोला चिड़िया रानी मैं तो समझता था तुझे बड़ी सयानी, तेरी इस पानी से क्या जंगल की आग बुझने वाली है? तो उस चिड़िया ने आपकी तरह एक एक बंदे की तरह कहा कि कौवे राजा, जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा।
चलती है कश्मीर में, मैं उसी चिराग की अग्नि हूं जो चलती है मुंबई में। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आग लगी है देश में, और लगे आग इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो। आग लगाने वाले लोग हैं ये, जाति के नाम पे बांटने वाले लोग हैं, ये धर्म के नाम पे बांटने वाले लोग हैं। मैं किसानों को कह रहा हूं, किसान भाइयों, ये प्रधानमंत्री सिर्फ 1% अमीरों के हैं, 99% गरीबों के लिए ये चौकीदार नहीं है। और आपसे पूछता हूं, क्या चौकीदार किसी अमीर के घर के बाहर, क्या किसी चौकीदार किसी गरीब के घर के बाहर खड़ा देखा है? बताओ, क्या किसी किसान के घर के बाहर खड़ा देखा है? और जिन बिल्डिंगों के बाहर अमीरों की चौकीदार खड़ा होता है, वहां गरीबों का जाना वर्जित होता है। ये चौकीदार अमीरों का है, ये चौकीदार अंबानियों का है, ये चौकीदार अदानियों का है, इसका गरीब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं बताता हूं आपको, अगर किसान 2 लाख रुपए का कर्जा लेता है तो उससे खाली चेक लिया जाता है, उससे ब्लैंक चेक लिया जाता है। एमएलए साहब, मैं सही कह रहा हूं? उससे खाली चेक लिया जाता है, ब्लैंक चेक लिया जाता है, और उसे कहा जाता है कि अगर 1 बार 2000 रुपया नहीं दिया तो तुझे जेल में ठोक देंगे। अब जेल में ठोकते हैं तो फिर बताओ कि 1 लाख करोड़ रुपया अडानी ने नहीं दिया मोदी साहब, 46,000 करोड़ अंबानी ने नहीं दिया, आपका इनके साथ कौन सा तांका बिड़ा है कि इनको जेल में नहीं देते? ऐसी कौन सी अंदर की बात है, ऐसा कौन सा सुमड़ी में कुमड़ी है कि आपकी क्या यारी है ये? आप राष्ट्र धर्म की बात करते हो, आपने इससे बड़ा क्या देश में होगा कि जितनी सरकारी कंपनियां थी उनको बर्बाद कर दिया, और जितने अंबानी जैसे लोग थे उनको आपने आबाद कर दिया। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बीएसएनएल 8,000 करोड़ के खाते में है, और आप जाके फोटो खिंचवा रहे हो जियो दंग लगाकर, जियो दंग लगाकर फोटो ऐसे लगी है, ऐसे रिलायंस के पंपों पे, एसआर के पंपों पे तेल के सारे फायदे इनको दे दिए, आपका चेहरा लगा है हंसता हुआ नूरानी चेहरा, 40 रुपए रंग सुनहरा टोपो ताली है। कोई आपसे सवाल कर ले तो राष्ट्रद्रोही, तुम वही बात करो तो न्यारी लीला, कोई और वही बात करे तो कैरेक्टर लीला छोटो ताली। मुद्दों को डिफ्लेक्ट कर रहे हो, किया कुछ है नहीं, जनता का कुछ किया नहीं, और अब आपके चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मोदी की सेना पकड़ लो पूंछ। योगी साहब, मैं तुम्हें कहता हूं कि ये सेना हिंदुस्तान की थी और हिंदुस्तान की रहेगी, किसी ऐरे कहरे औने पौने की नहीं होना चाहिए। सेना के नाम पे इलेक्शन लड़ोगे, फौज के कंधों से सियासी तीर चलाओगे, सुना है सरहदों पे तनाव है, अरे जरा पता तो करो क्या चुनाव है? रूपी है, यही इनकी चालें हैं, इसी तरह से इनको बर्बाद किया है। नोटबंदी हुई, कोई एक अमीर लाइन में खड़ा पाया हो तो बताओ ना, कोई एक अंबानी को अडानी को किसी को मरते हुए देखा किसी को, कोई लाइन में खड़ा देखा? लाइन में गरीब लोग मरे और गाने गाते रहे कि 4 दिन की जिंदगानी, 2 कतार में और 2 इंतजार में, 2 को ताली। काला धन लाना था वापस, काला धन सफेद नहीं हुआ, पर्पल हो गया, पर्पल। नोट बंद करने थे 1000 के, 500 के और छोटे 100, 200 के चलाने थे। यहां कैसी उल्टी गंगा बह रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा, 500 का बंद किया, 1000 का बंद किया और 2000 का पर्पल नोट चला दिया, पर्पल नोट। अमित शाह जी ने अपने बैंक में 750 करोड़ रुपए 5 दिन में जमा करा दिए, जयंती भाई ने गुजरात में 600 करोड़ जमा करा लिए, मुंडे साहब की बेटी ने, उन्होंने 600 करोड़ करा लिए, 22,000 करोड़ रुपए से पार्टी अमीर हो गई, लोगों के खून पसीने की कमाई से। अडानी और अंबानी के साथ जाके बांग्लादेश में 3 रुपए की बिक्री, अंबानी को 5 रुपए में बिकवाने के लिए गए।
अंबानी के लिए फ्रांस ने गए 30,000 करोड़ रुपए का टाटा लगाया इस देश को। आप राष्ट्रधर्म की बात करते हो, जो बड़ा नहीं है भावों से बैठी, जिसमें रसधार नहीं वो नहीं है, पत्थर है जिसमें हिंदुस्तान का प्यार।